जब रीना रॉय ने शादी के लिए शोटागन सिन्हा को दिया 8 दिन का अल्टीमेटम। काली चरण और विश्वनाथ जैसी फिल्मों की कामयाबी के बाद शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय की जोड़ी हिट हो चुकी थी। हर निर्माता इस जोड़ी को अपनी फिल्मों में रिपीट करना चाहते थे। ऐसे में एक दिन शत्रुघ्न सिन्हा के काफी करीबी दोस्त रहे पहलाज निलानी शत्रुघ्न सिन्हा को साइन कर रीना रॉय के पास फिल्म आंधी तूफान का प्रस्ताव लेकर गए। लेकिन इस फिल्म में काम करने के लिए रीना रॉय ने पहलाज निलानी के सामने जो शर्त रखी उसे सुनकर निलानी बुरी तरह चकरा गए। शत्रुघ्न सिन्हा पूनम सिन्हा से शादी कर चुके थे। इसके बावजूद ना तो शत्रु रीना को छोड़ने के लिए तैयार थे और ना ही रीना रॉय शत्रु से दूर जाने को तैयार थी। यहां तक कि दोनों का परिवार भी इस बात के लगभग राजी हो चुका था कि अगर दोनों दूसरी शादी भी कर लें तो उन्हें इससे कोई ऐतराज नहीं होगा। रीना भी इसके लिए तैयार थी, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करें तो आखिर क्या करें। शत्रुघ्न सिन्हा रीना रॉय के साथ फिल्में साइन किए जा रहे थे और सार्वजनिक मंचों पर रीना के साथ जाने में उन्हें कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जब रीना उनसे निजी मसले पर बात करती तो वो टाल जाते। पहलाज निलानी जब आंधी तूफान का प्रपोजल लेकर रीना रॉय के पास पहुंचे तो उन्होंने निलानी से कहा कि अगर वो अपने दोस्त को उनसे शादी के लिए राजी कर लें तो वो उनकी फिल्म में मुफ्त में भी काम करने को तैयार हैं, वरना वो शत्रुघ्न सिन्हा के साथ काम नहीं करेंगी। इसके साथ ही रीना रॉय ने शत्रु को 8 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर वो इस समय के भीतर कोई फैसला नहीं करते तो वो किसी ना किसी से शादी कर लेंगी। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपना फैसला रीना को सुना दिया और ठीक 8वें दिन रीना रॉय ने पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी कर ली। ये अलग बात है कि केवल खुनस निकालने के लिए की गई ये शादी कामयाब नहीं हो पाई और 2 साल बाद ही दोनों का तलाक हो गया।